हेलो एवरी वन वेलकम टू YouTube चैनल अब हे पी सीरीज़ के एग्ज़ाम्पल्स कर रहे हैं तो यहाँ एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री मैं आपको बताऊँगी क्योंकि इससे पहला हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं तो एग्जाम्पल नंबर थ्री में था हमारा एक सीरीज़ गिवन है टी एन की वैल्यू दी हुई है माइनस थर्टी ए दिया हुआ है ट्वेल्व और डी हमारा आ जाएगा नाइन माइनस ट्वेल्व करके माइनस थ्री तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को एनथ टर्म वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं टी एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी में तो टी एन की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस थर्टी इक्वल टू ट्वेल्व प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस थ्री तो हमने ये सब वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर और हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई हमारी कैलकुलेट करके फिफ्टीन इसका सेकेंड पार्ट है टी एन इज़ इक्वल टू माइनस हंड्रेड तो टी एन की वैल्यू माइनस हंड्रेड है ए ट्वेल्व है डी माइनस थ्री है तो इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एन की वैल्यू हमारी आती है वन हंड्रेड फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री तो हमें ये बताना था कि माइनस हंड्रेड इस सीरीज़ का कोई टर्म है या नहीं क्योंकि तो एन की वैल्यू यहाँ से कोई होल नंबर आना चाहिए था ये होल नंबर नहीं है तो इट मीन्स माइनस हंड्रेड इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ द सीरीज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ द सॉरी द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ टेन टेंथ टर्म इज़ ज़ीरो फाइंड ट्वेंटी टर्म हमें फिफ्थ टर्म गिवन है टेंथ टर्म गिवन है हमें ट्वेंटी टर्म फाइंड आउट करनी है फॉर्मूला है हमारे पास फिफ्थ टर्म के लिए टी फाइव इज ईक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी इट मीन्स फोर डी इज टू टेन गिवन है टी टेन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन डी इज टू जीरो गिवन है तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है तो अगर हमने इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाए कट जाएगा तो नाइन डी माइनस फोर डी आएगा फ़ाइव डी और राइट right साइड पे आएगा जीरो माइनस टेन इट मीन्स फाइव डी इज इक्वल टू माइनस टेन इट मीन्स डी इज इक्वल टू माइनस टू जब हम डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी ए की वैल्यू आई एटीन कैलकुलेट करके तो अब हम टी ट्वेंटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे टी ट्वेंटी इज इक्वल टू ए प्लस ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी इट मीन्स नाइनटीन डी तो ए की वैल्यू एटीन प्लस नाइनटीन माइनस टू डी की वैल्यू इसको कैलकुलेट किया तो आया हमारा माइनस ट्वेंटी तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ट्वेंटी एथ टर्म